हेलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मॉस्फेट की। जेईपीटी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे मॉस्फेट की। देखो, मॉस्फेट में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉस्फेट का मतलब होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये दोनों जो आपको दिख रही है, ये एल्यूमिनियम की प्लेट्स है तीनों, ये बच्चे ये तीनों हैं एल्यूमिनियम की प्लेट्स है, ये तीनों वो दिख रही है अपन को। अब जो ये गेट टर्मिनल है, दिखे तीनों आपको एल्यूमिनियम की प्लेट। अब जो ये गेट टर्मिनल है अपना, ये गेट टर्मिनल है, तो इसके नीचे क्या है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या है, जो ये दिख रहा है ये इंसुलेटेड सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर है SiO2 की। जो ये है गेट के यहाँ पे, ये क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड की इंसुलेटेड लेयर है। देखो दिख भी रहा है आपको लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या है, गेट जो हमारा चैनल होता है, जैसे पी चैनल है, तो इससे क्या है, इंसुलेटेड है इसके द्वारा, SiO2 की लेयर द्वारा, इसलिए इसको हम बोलते हैं गेट इंसुलेटेड फील्ड इफेक्ट। IGFET भी बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम बात कर लेते हैं, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सोर्स है। देखो यहाँ पे कौन कौन से टर्मिनल है, सोर्स है, ड्रेन है, गेट है, और क्या है, सबस्ट्रेट। हमारे पास जो नीचे होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये इसका सबस्ट्रेट है पी टाइप, सोर्स और ड्रेन है एन टाइप, और जो गेट है इसके नीचे कोई भी चैनल नहीं है अभी प्रेजेंट में। तो हम क्या करेंगे बेटा, गेट पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो भी सबस्ट्रेट है कौन सा है, पी टाइप। तो गेट के नीचे से जो पी टाइप के होल, पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो इन होल्स को हटाने के लिए पी पे कौन सा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव वोल्टेज। बिल्कुल सही है ना, होल को मूव करने के लिए गेट पे कौन सा वोल्टेज चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ तक की हम बात कर लेते हैं, बस इतना समझ में आइए। गेट इंसुलेटेड होता है SiO2 की लेयर द्वारा सबस्ट्रेट से, चैनल से। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, वो थ्री सोड वोल्टेज क्या होता है, वो मिनिमम वोल्टेज जिसको गेट पे लगाने पर सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बन जाए। देखो ये सोर्स और ड्रेन है, यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, हमें क्या है, यहाँ पे सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट कब फ्लो होगा, जब यहाँ पे कोई चैनल होगा। तो यहाँ पे चैनल बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, जो गेट है इसके नीचे से इंसुलेटेड गेट है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा अपन को, जो होल्स है यहाँ पे गेट के नीचे इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट कौन सा है, पी टाइप है, तो पी टाइप में कौन से होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। अगर इन होल्स को अपन को यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। अगर हमने गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया, तो यहाँ से होल हट जाएंगे और यहाँ पे क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखो यहाँ पे बेटा चैनल बन जाएगा, क्योंकि हमारा सोर्स भी क्या है एन टाइप, और ड्रेन भी क्या है एन टाइप, और यहाँ पे चैनल भी क्या हो जाएगा एन टाइप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मिनिमम वोल्टेज जो कि गेट पे लगाने पर सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बन जाए, तो यहाँ से होल का बटेंगे जब गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे, तो वो मिनिमम गेट वोल्टेज जिस पर गेट के नीचे चैनल बन जाए, उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, थ्री सोल्ड वोल्टेज। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड एट गेट टू फॉर्म द चैनल इज कॉल्ड थ्री सोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। मतलब FET काम कब करेगा, जब सोर्स और ड्रेन के बीच कोई चैनल फॉर्म होगा यहाँ पे। और चैनल फॉर्म कब होगा, तब गेट पे एक मिनिमम वोल्टेज है जो लगाती क्या होगा, सोर्स और ड्रेन के बीच एक चैनल बन जाएगा। तो वो मिनिमम वोल्टेज गेट पर, वो मिनिमम वोल्टेज सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बनने के लिए गेट पे जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री सोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। जब गेट पे वो मिनिमम वोल्टेज जिसको लगाने पर सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बन जाए, तो उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, थ्री सोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। और जब भी गेट पर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कट इन वोल्टेज और थ्री सोल्ड वोल्टेज से कम होगी, जब तक क्या करेगा, हमारा गेट काम नहीं करेगा, हमारा क्या है, जो भी FET है वो काम नहीं करेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, जब हम गेट पे वोल्टेज लगाएंगे, अगर इसकी वैल्यू थ्री सोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज से कम है,
तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा सोर्स और ड्रेन के बीच। अगर कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो होगा सोर्स और ड्रेन के बीच नहीं होगा, तो हमारा एफ ई टी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा काम करने के लिए, जो भी गेट टू सोर्स वोल्टेज है वी जी एस, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, थ्री सोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। तब क्या होगा, अगर वी जी एस की वैल्यू वी टी एस से थ्री सोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है, गेट और सोर्स के बीच जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बन जाएगा और ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, जब वी जी एस की वैल्यू वी टी एस से ज़्यादा है तो आई डी एस फ्लो होगा। अगर अगर वी जी एस की वैल्यू गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्री सोल्ड वोल्टेज से कम है तो क्या होगा बेटा, अपना मॉस्फेट ऑफ होगा, मतलब क्या होगा, आई डी एस की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ बेटा, उसके बाद हम इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। देखो एक बार देख लेते हैं हम इसको। देखो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, सबस्ट्रेट कौन सा है अपना पी टाइप है, सोर्स कौन सा है एन टाइप है, और ड्रेन भी कौन सा है एन टाइप है। देखो बेटा हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर हमें चैनल फॉर्म करना है कौन सा एन टाइप चैनल फॉर्म करना है सोर्स और ड्रेन के बीच, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा ताकि जिससे होल यहाँ से सबस्ट्रेट में चले जाएँ। तो देखो हमने क्या किया है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया गेट पे। अगर हमने गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया तो यहाँ से सारे होल चले गए, यहाँ से होल चले गए, तो बेटा यहाँ पे पी टाइप में क्या है, मेजोरिटी कैरियर क्या है, होल है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा क्या करेगा, यहाँ पे गेट पे क्या है, पॉजिटिव आयन है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जमा हो रखे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और यहाँ पे एक डिपल्सन लेयर बन जाएगी नेगेटिव आयन्स की, क्योंकि नेगेटिव आयन्स जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके साथ जुड़े हैं, नेगेटिव आयन्स, क्योंकि पी टाइप में क्या होते हैं, नेगेटिव आयन्स और होल्स होते हैं, और थर्मल के कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, नेगेटिव आयन्स, तो नेगेटिव आयन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तो इससे क्या बन जाएगी, डिपल्शन लेयर बन जाएगी। अब इसके बाद देखो बेटा हम यहाँ पे पर चैनल कब बनेगा, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चैनल कब बनेगा, जब वी जी एस की वैल्यू गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होना चाहिए, वी जी एस की वैल्यू, देखो बेटा चैनल कब बनेगा, जब वी जी एस की वैल्यू वी टी एस से ज़्यादा होगी। अगर वी जी एस की वैल्यू वी टी एस से ज़्यादा है तो क्या होगा, चैनल फॉर्म हो जाएगा हमारे। तो देखते हैं यहाँ पे, ये डिपल्शन लेयर बन गई है, क्यों, क्योंकि वी जी एस की वैल्यू क्या है बेटा, वी टी एस से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे इसी कारण क्या होगा, चैनल फॉर्म हो जाएगा। अगर चैनल फॉर्म हो गया तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे चैनल फॉर्म हो गया तो सोर्स टू ड्रेन क्या है, करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या है, वी जी एस माइनस वी टी एच, जब वी जी एस माइनस वी टी एच ये क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पे कि हमारा ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में चला जाए, मतलब क्या है बेटा, ग्राफ एक कांस्टेंट आ जाए। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी वी पी एस के बाद क्या है, ग्राफ हमारा कांस्टेंट है, मतलब सेचुरेशन रीजन में चला गया। किस किस के बीच ग्राफ ड्रा करना हमें, आई डी एस तथा वी डी एस के बीच। तो वी पी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये वी जी एस है, वी जी एस के बीच ग्राफ है, आई डी एस तथा वी जी एस के बीच। अब वी पी की वैल्यू क्या हो गई, देखो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा, ये ग्राफ बनना स्टार्ट कब होगा, जब यहाँ पे चैनल फॉर्म हो जाएगा, और चैनल फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, वी जी एस किससे ग्रेटर देना होना चाहिए, वी टी एस से। तो बेटा एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होने की, वी जी एस माइनस वी टी एच, ये वी टी एच घटाने, वी टी एस से ज़्यादा, अगर वी जी एस की वैल्यू होगी
मतलब VTH तक तो हमारा कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा, जैसे VTH से ज़्यादा वैल्यू होगी तो हमारा क्या होगा यहाँ पे ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमारा MOSFET ऑन होने लग जाएगा। तो VP की वैल्यू क्या हो गई बेटा, VGS की वैल्यू, VP इज इक्वल टू VGS माइनस VTH, आ गया ना समझ में। ये VTH क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज जो कि चैनल फॉर्म होने के लिए अपन को चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? और VP मैंने बताई दिया आपको बेटा क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा वोल्टेज जिसमें हमारा ग्राफ सेचुरेशन में चला जाए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, देखो ये यहाँ पे अगर हमें एन चैनल फॉर्म करना है तो पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, तो मैंने बताई दिया आपको। देखो अभी यहाँ पे बताया भी गया आपको, अगर VGS VTS से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब क्या है बेटा, ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा IDS तथा VGS के बीच। ये तो ये VGS की वैल्यू ऑन रखने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू। पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होगी, VGS माइनस VTH। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, VP इक्वल टू क्या था, VP इक्वल टू क्या था बेटा, VGS माइनस VTH। मतलब अगर VDS की वैल्यू से ज़्यादा होगी गेट टू सोर्स वोल्टेज की, तो क्या होगा हमारा इसमें चला जाएगा, ये सेचुरेशन रीजन में। देखो ये दिखाया भी गया है यहाँ पे, अगर VDS की वैल्यू VGS माइनस VTH से कम है तो लीनियर और नॉन लीनियर होगा। देखो ग्राफ ही दिखाया भी गया है, लीनियर नॉन लीनियर, और VP से ज़्यादा होगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, देखो MOSFET दो टाइप के होते हैं, पी चैनल और वो इनिचमेंट टाइप और डिपल्शन टाइप। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिचमेंट टाइप MOSFET की। इसमें क्या है बेटा, इनिशियली कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं होता। तो क्या है बेटा, कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं होगा तो कंडक्शन जीरो होगा। देखो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, अभी आपको पूरा समझ में आएगा, हम बात कर रहे हैं पी चैनल की। देखो पी चैनल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो हमारा पी चैनल की बात कर रहे हैं तो मतलब सबस्ट्रेट कौन सा होगा, एन टाइप होगा। सोर्स कौन सा है, पी टाइप है। ड्रेन भी कौन सा है, पी टाइप है। तो एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयंस होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयंस, और सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे थर्मल के कारण। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने हम अब देखो यहाँ पर सोर्स भी पी टाइप है और ड्रेन भी कौन सा है, पी टाइप। तो हमें यहाँ पर चैनल कौन सा फॉर्म करना है, पी टाइप। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी कैरियर क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन है सारे। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना है तो गेट पे कौन सा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, VGS की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी। अगर हम नेगेटिव बढ़ाएंगे, VGS की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, VGS को बढ़ाएंगे कंटिन्यूसली, तो क्या होगा बेटा, VGS को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से प्रतिकर्षित होंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयंस है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव आयंस होता है, और जो होल्स है थर्मल के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो यहाँ से होल यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे होल इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे। अगर यहाँ पे होल इकट्ठे हो जाएंगे बेटा यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या होगा, चैनल फॉर्म हो जाएगा, पी टाइप चैनल फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी चैनल। देखो आगे यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ है, जैसे हमने VGS की वैल्यू नेगेटिव की तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी VGS की, VTS से ज़्यादा हो जाएगा VGS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये चैनल बन गया पी चैनल। तो सोर्स और ड्रेन के बीच क्या हो गया, एक चैनल बन गया पी चैनल। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा सोर्स और ड्रेन के बीच। बट यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई भी चैनल बिट अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, चैनल फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, VGS की वैल्यू VTS से ज़्यादा होना चाहिए। नेगेटिव है तो मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में देखो बेटा, नेगेटिव में क्या होता है, छोटी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, VGS की वैल्यू VTS से कम होना चाहिए। ज़्यादा नेगेटिव का मतलब ये छोटी होगी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, और VGS की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि वहाँ से क्या है, चैनल से हमारे सारे होल निकल जाए और वहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाए और वहाँ पर क्या हो जाए, होल जमा हो जाए।
और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए बेटा, VGS बड़ा होना चाहिए VTS है, और नेगेटिव मानेंगे तो देखो यहाँ पे 9-7 से बड़ा है, बट हम नेगेटिव देखेंगे तो -9 -7 से छोटा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे बेटा VGS की वैल्यू क्या है, IDS तथा VDS के बीच हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये रहा आईडी, ग्राफ किधर बनेगा, नेगेटिव में बनेगा क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम। तो देखो पिंच ऑफ वोल्टेज VGS माइनस VTH मैंने बता ही दिया आपको, ये आएगा। और तो देखो यहाँ पे क्या है, सेचुरेशन रीजन के लिए क्या होना चाहिए, VDS की वैल्यू VGS माइनस VTH से कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए VDS की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों के बीच, लीनियर नॉन लीनियर रीजन के लिए। दिख रहा है आपको, मतलब अगर VDS की वैल्यू VP से कम होगी, मतलब यहाँ पे होगी, तो क्या होगा, लीनियर नॉन लीनियर रीजन होगा, ज़्यादा होगी तो। अगर VP से कम होगी क्या होगा, सैचुरेशन रीजन होगा। आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग बेटा यहाँ पे क्या है, जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी सबस्ट्रेट की उतने ज़्यादा क्या है अपन को, ज़्यादा नेगेटिव गेट वोल्टेज चाहिए। VTH की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी थ्रीशोल्ड वोल्टेज की, उतनी ज़्यादा चैनल बनने के लिए उतने, मतलब जो ये पी टाइप है यहाँ पे अगर इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा है सबस्ट्रेट की, तो यहाँ पे क्या है बहुत सारे होल्स होंगे, पी टाइप में बहुत सारे होल्स होंगे, इनको उठाने के लिए क्या चाहिए अपन को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गेट वोल्टेज चाहिए। सही बात है, जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी ज़्यादा अपन को थ्रीशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं हम, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक किस किसके बीच ड्रा करते हैं बेटा, IDS तथा VGS के बीच। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते थे एन चैनल के लिए, तो एन चैनल की बात करते हैं हम, अगर सबस्ट्रेट सबसे पहले हम बात करते हैं एन चैनल की, तो देखो बेटा एन चैनल में क्या होगा, ये एन चैनल का डायग्राम है, जो डायग्राम है किसका है, एन चैनल का, गेट और सोर्स क्या है, एन टाइप है। देखो एन चैनल है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, बीच में यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा होगा, पी टाइप होगा, पी टाइप में क्या होंगे, यहाँ पे होल्स होंगे, अगर होल्स को हटाना है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज। तो बेटा एन टाइप के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, एन टाइप के लिए ग्राफ कौन सा बनेगा, पॉजिटिव VGS चाहिए हमें, और पी टाइप के लिए नेगेटिव VGS चाहिए, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। अब हमने कौन सा पढ़ लिया, इनिशियमेंट टाइप मोसफेट, क्योंकि ये एक इनिशियमेंट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली कोई चैनल विड्थ अवेलेबल नहीं होती। अब हम इसके बाद बात करते हैं डिपल्सन टाइप मोसफेट की। देखो बेटा डिपल्सन टाइप मोसफेट में क्या होता है, इनिशियली कुछ चैनल विड्थ अवेलेबल होगी, देखो इनिशियली कुछ चैनल विड्थ अवेलेबल है यहाँ पे, तो क्या होगा, स्मॉल चैनल विड्थ अवेलेबल, VGS अप्लाई करने के पहले ही कुछ चैनल विड्थ अवेलेबल होगी डिपल्सन टाइप मोसफेट में। तो हम क्या है बेटा, यहाँ पे VGS की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के, घटा और बढ़ा के हम चैनल विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। तो क्या है, ये दोनों मोड में काम करेगा, इसलिए यहाँ पे क्योंकि इनिशियली सम चैनल विड्थ अवेलेबल होती है, इसलिए इनिचमेंट टाइप मोसफेट दोनों में काम करता है, इनिचमेंट मोड में भी काम करेगा और डिपल्सन मोड में भी काम करेगा। देखो कैसे करता है, हम देखते हैं आगे। देखो अगर एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ बच्चों, मैं आपको यहाँ पे, अगर एन चैनल मोसफेट है तो सोर्स ऑफ ड्रेन क्या होगा, एन टाइप होगा। अगर एन टाइप होगा सबस्ट्रेट कौन सा होगा, पी टाइप। पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे, और गेट के नीचे से होल्स उठाने के लिए कौन सी वोल्टेज चाहिए, पॉजिटिव। तो एन टाइप में कौन सी वोल्टेज चाहिए गेट पर, पॉजिटिव। और पी चैनल में क्या है, सोर्स ऑफ ड्रेन कौन सा होगा, पी टाइप, और सबस्ट्रेट क्या होगा, एन टाइप। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को गेट के नीचे से उठाने के लिए कौन सी वोल्टेज चाहिए, नेगेटिव। पी टाइप में VGS की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और एन चैनल में पॉजिटिव। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो अगर हम एन चैनल में गेट को ज़्यादा पॉजिटिव किया, देखो यहाँ पे जो डायग्राम है पहले वाला, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो कुछ चैनल विड्थ अवेलेबल है, अगर हम गेट को बढ़ाएंगे, VGS की वैल्यू बढ़ाएंगे और पॉजिटिव में,
हमने VGS की वैल्यू बढ़ा दी और ज़्यादा पॉजिटिव कर दी, क्या चैनल वेट और ज़्यादा बढ़ गई, किसकी तरह काम करेगा ये, कौन से मोड में काम करेगा, इनिचमेंट में मोड में काम कर रहा था, क्योंकि इनिचमेंट में हम क्या कर रहे थे बेटा, इनिचमेंट में हम क्या कर रहे थे, VGS को बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे क्या चैनल विड्थ डेवलप चैनल बन गया था, चैनल की कुछ विड्थ अवेलेबल थी जिसे हमने VGS की थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ाई, तो यहाँ पे क्या हुआ चैनल फॉर्म हो गया, चैनल फॉर्म हो गया तो यहाँ पे क्या है सोर्स और ड्रेन के बीच कंडक्शन हो जाएगा, तो कौन सा मोड हो गया, इनिचमेंट मोड में काम कर रहा है। बट अगर हम VGS की वैल्यू नेगेटिव कर देते हैं तो देखो क्या होगा, अगर हम VGS की तो देखो जैसे हमने अगर VGS की वैल्यू नेगेटिव कर दी, नेगेटिव में बढ़ाते गए, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से निकल जाएंगे सारे, और यहाँ पे क्या जाएंगे, होल आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, पी चैनल बन गया, तो सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बन गया, तो यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा, देखो तो जहाँ पे नेगेटिव बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें नेगेटिव जीरो हो जाएगा, चैनल की विड्थ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एन चैनल की जगह कौन सा चैनल बन जाएगा, पी चैनल बन जाएगा, अगर पी चैनल बन गया तो बेटा यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा, सोर्स और ड्रेन कौन सा है, एन चैनल है, और इन दोनों के बीच कौन सा बन गया, एक पी चैनल, तो कंडक्शन हो जाएगा, तो कौन सा मोड है ये, डिपल्शन मोड में काम करता है। ऐसे देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको आगे, देखो यहाँ पे अगर गेट को पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, चैनल विड्थ बढ़ जाएगी, इनिचमेंट मोड में काम करेगा, अगर नेगेटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएंगे, पी चैनल बन जाएगा सोर्स और ड्रेन के बीच, और डिपल्शन मोड में काम करेगा जैसा कि मैंने बताया आपको। देखो एक मिनट देखो बेटा, अगर गेट को पॉजिटिव करेंगे तो चैनल विड्थ और बढ़ जाएगी, देखो ये बढ़ गई, कौन सा मोड है ये, इनिचमेंट मोड है, अगर हमने गेट को नेगेटिव कर दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या जाएंगे, होल आ जाएंगे, होल आ जाएंगे तो कौन सा चैनल बन जाएगा बेटा, पी चैनल बन जाएगा यहाँ पे, तो एन पी एन हो जाएगा, सोर्स और ड्रेन कौन से, एन चैनल, और बीच में कौन सा बन जाएगा, पी चैनल, को बोलते हैं डिपल्शन मोड, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिपल्शन मोड दोनों मोड में काम करता है, इनिचमेंट एंड डिपल्शन मोड। आगे देखते हैं बेटा, हाँ देखो अब इनिचमेंट मोड की बात कर लेते हैं कैसे करेगा, डिपल्शन टाइप मोसफेट कैन बी इंक्रीज द चैनल विड्थ बाय गेट वोल्टेज। जैसे हम पॉजिटिव गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ पर डिपल्शन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में देखो पॉजिटिव गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होंगे, जो भी पी टाइप में क्या है, मेजोरिटी कैरियर क्या है, होल है, तो ये होल यहाँ से और हटेंगे तो यहाँ पे चैनल विड्थ और इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे यहाँ पे, तो चैनल विड्थ बढ़ जाएगी और कंडक्शन हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा, तो जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चैनल की विड्थ बढ़ जाएगी, अब मैंने आपको बताया, तो कौन से मोड में काम करेगा, इंचमेंट मोड में काम करेगा, और डिपल्शन मोड में कैसे काम करेगा बेटा, जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे गेट पर तो चैनल विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, तो गेट की वोल्टेज पॉजिटिव वैल्यू की नीचे मोड में काम करेगा, नेगेटिव होगी तो डिपल्शन मोड में काम करेगा, जिस ग्राफ में भी दिखाया गया है, देखो बेटा आप ये देख लो, जैसे VGS की वैल्यू देखो, जैसे जीरो थी, सम चैनल विड्थ अवेलेबल थी, इसके बाद अगर हमने गेट को पॉजिटिव किया तो इधर कौन सा मोड कम में काम कर रहा है, इनिचमेंट मोड में, और नेगेटिव किया तो चैनल कौन सा हो जाएगा, पी चैनल डेवलप हो जाएगा सोर्स और ड्रेन के बीच, और अगर हमने सोर्स और ड्रेन को, अगर हमने गेट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, एक एन चैनल की विड्थ बढ़ जाएगी, पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी, तो यहाँ पे काम करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, ये कौन सा मोड है, इनिचमेंट मोड, और डिपल्शन मोड में क्या है, देखो गेट पर हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये सोर्स है, ये ड्रेन है हमारा, सोर्स कौन सा है, एन टाइप, और यहाँ पर क्या है, एन टाइप, ड्रेन भी, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव वोल्टेज तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर होल आ जाएंगे, होल हो जाएंगे तो कौन सा चैनल बन जाएगा, होल से पी चैनल बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सोर्स और ड्रेन के बीच कौन सा चैनल बन गया, पी चैनल बन गया, तो इसको बोलते हैं हम डिपल्शन मोड, तो डिपल्शन टाइप मॉसफेट इनिचमेंट तरह डिपल्शन टाइप मोड दोनों में काम कर सकता है, इनिचमेंट डिपल्शन मोड दोनों में काम कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक, देखो बेटा दोनों साइड आएगी, जब VGS की वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन से मोड में काम करेगा, इनिचमेंट मोड में काम करेगा, और जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो कौन सा डिपल्शन मोड में काम करेगा, नेगेटिव है तो ये कौन सा है, पी चैनल मॉसफेट है, क्योंकि पी चैनल में कौन सा है, पी चैनल में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज में इनिचमेंट मोड में और नेगेटिव में
डिपल्शन मोड में। इसी प्रकार एन चैनल में क्या होगा, सोर्स और ड्रेन में एन होगा, सबस्ट्रेट में क्या होगा पीपी से होल हटाने के लिए कौन सा लगाएंगे एन चैनल में, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये कौन सा इनिशिएट मोड है पी चैनल के लिए, देखो पी चैनल का मतलब क्या है, सोर्स और ड्रेन क्या है पी, और सबस्ट्रेट क्या है एन टाइप, तो उससे एन टाइप में मेजोरिटी के लिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो जैसे हम नेगेटिव बढ़ सम चैनल विड्थ अवेलेबल है तो नेगेटिव बढ़ाएंगे तो चैनल विड्थ बढ़ेगी, नेगेटिव बढ़ेगी तो किस में काम करेगा ये इनिशिएट मोड में। अब जैसे हम इसको पॉजिटिव कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा पी चैनल बन जाएगा सोर्स और ड्रेन के बीच, तो किस में काम करेगा डिपल्शन मोड में, तो इधर की साइड डिपल्शन मोड है और इधर की साइड इनिशिएट मोड है, इधर की साइड डिपल्शन मोड है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों यही था, इतना ही, ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच।